नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी का पटाखा में। दोस्तों, कलर्स टीवी पर जल्द नागिन 6 को रिप्लेस करेगा एकता कपूर का शो इश्क में घायल। और अब इस शो का प्रोमो भी आ चुका है, लेकिन प्रोमो के आते ही शो के तीन सबसे बड़े ट्विस्ट सामने आ चुके हैं, तीन बड़े खुलासे हो चुके हैं। क्या कुछ हुआ है, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टीवी का पटाखा की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो टेलीविजन इंडस्ट्री की हर गॉसिप और हर खबर को जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, एकता कपूर का नया शो इश्क में घायल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा कलर्स टीवी पर। वीकेंड पर रात को 8 बजे आया करेगा, क्योंकि नागिन 6 को करेगा रिप्लेस। लेकिन इसके प्रोमो के आते ही तीन बड़े ट्विस्ट सामने आ चुके हैं। कहानी है तीन लोगों की, ईशा, अरमान और वीर की। जहां पर ईशा बेशक एक आम इंसान है, लेकिन अरमान और वीर दोनों ही आम इंसान नहीं है। 220 साल पुरानी कहानी है ये, 220 साल पुराना प्यार और पुराना दर्द है ये। ईशा तो वापस जन्म लेकर आ गई, लेकिन अरमान और वीर दोनों ही इश्क में, प्यार में भेड़िया और वेम्पायर बन गए। और किस तरह से ये अपने इश्क को, अपने जुनून को, यानी कि ईशा को पाएंगे, यही होगी शो की पूरी कहानी। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आया है वो ये कि कहानी में बहुत सारे रहस्यों का तड़का लगाएगी एकता कपूर। दोनों बेशक भाई होंगे, यानी कि करण कुंद्रा और कश्मीर, पर अरमान और वीर भाई होने के साथ साथ एक दूसरे के बड़े दुश्मन भी होंगे, क्योंकि जंग ये प्यार की होगी। पर हम आपको यहाँ पर बता दें कि ईशा अरमान के प्यार में पागल हो जाएगी, पर जब उसके सामने अरमान का असली सच आएगा तब वो हैरान हो जाएगी, क्योंकि अरमान और वीर के बीच का जो कनेक्शन है वो ईशा की जिंदगी को तबाह कर देगा। और यहीं से शुरू होगी इश्क में घायल होने की असली दास्ता। कितने एक्साइटेड हैं आप इस शो के लिए, कमेंट्स में आप हमें ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।